हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाठक ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो पार्ट टू है। मैंने फर्स्ट वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे जाके आप फर्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। और इस अब मैं हर वीडियो में पहले कुछ फॉर्मुला लिखवाऊंगा, उसके बेस पे सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो मेरी हर वीडियो में जैसे टेन इनवर्स एक्स के मैंने सारे फॉर्मुले बताए हैं इस ट्यूटोरियल में, और नेक्स्ट वीडियो में कॉस इनवर्स फिर साइन इनवर्स, उसके बेस पे सारे क्वेश्चन जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन सारे करवाऊंगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल सके हर न्यू वीडियो की। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये सेकंड वीडियो है, अगर आपको फर्स्ट वीडियो देखनी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर जाके आप देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने बेसिक्स बताए हैं कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, वन उसके बिना आप स्टार्ट कर ही नहीं सकते चैप्टर। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन करने वाले हैं, एक से एक क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर आपको वीडियो एक बार पॉज करके ऑन करता हूँ, तो क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होता है फॉर्मूला लिखने में अगर मैं वीडियो में लिखने लगा तो, इसलिए मैं अभी लिख लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। तो फ्रेंड्स, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत ही ध्यान रखने पड़ेंगे क्वेश्चन करने टाइम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट है। और ये कब होगा फॉर्मूला, जब x इंटू वाई वन से छोटा होगा। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, टेन इनवर्स वन बाय थ्री प्लस टेन इनवर्स वन बाय टू। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वन से छोटा आएगा, मतलब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और सेम यही फॉर्मूला देखिए, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। अगर एक्स वाई का मल्टीपल वन से बड़ा है, मतलब अगर टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री है, तो मतलब टू इंटू थ्री क्या होता है, सिक्स, मतलब वन से बड़ा है तो पाई प्लस हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला सेम ही है लेकिन पाई प्लस हो जाता है यहाँ पे। और नेक्स्ट, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में वन प्लस एक्स वाई। अब इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ, जो प्लस वाला होता है उसमें ऊपर प्लस होगा, नीचे अगर माइनस होगा तो ऊपर माइनस होगा, और उसका अपोजिट नीचे हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब सेम है, एक्स वाई वन और एक्स वाई सेम है। अगर प्लस है तो प्लस और नीचे अपोजिट साइन माइनस, अगर माइनस है तो माइनस अपोजिट साइन प्लस। और ये टू टेन इनवर्स एक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको ये तीनों याद रखने पड़ेंगे। टू टेन इनवर्स एक्स के तीन फॉर्मूले होते हैं, एक साइन की टर्म्स में होता है, एक कॉस की और एक टेन की, ठीक है। तो साइन में क्या होता है, टू एक्स प्लस अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स में क्या होता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर। और टेन की फॉर्म में क्या होता है, टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये लर्न करने पड़ेंगे, एक बार इसको आप नोट डाउन कर लो सारे फॉर्मूले, ध्यान से एक बार देख लो, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम इसके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं अब। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, प्रूव करना है इसको, पाई बाय फोर, टेन इनवर्स वन बाय टू प्लस टेन इनवर्स वन बाय थ्री इज इक्वल टू में पाई बाय फोर। तो सेम फॉर्म में लगेगा यहाँ पे, टेन इनवर्स पहले हम एल एच एस को ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एल एच एस को आर एच एस प्रूफ करना है, दोनों इक्वल है कि नहीं है। पहले हम लिखेंगे एल एच एस है क्या हमारा, वन बाय टू प्लस टेन इनवर्स वन बाय थ्री। तो इसमें सेम वही फॉर्मूला लगेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। फॉर्मूला क्या था अभी लर्न किया था हमने, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स क्या हो गया हमारा टू, वन बाय टू, और वाई हो गया वन बाय थ्री। तो इससे क्या आएगा हमारे पास, टेन इनवर्स फाइव बाय फाइव, तो फाइव फाइव कट जाएंगे। अब क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स अंदर क्या आ गया वन। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको,
ठीक है, अगर नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उधर जाके एक बार आप चेक कर लो कैसे करते हैं। तो वन को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4, क्योंकि 10 पाई बाय 4 क्या होता है, 1, तो हमने लिख दिया। अब क्या होगा, 10 10 इनवर्स और 10 कट जाएंगे, क्योंकि ये पाई बाय फोर जो है 10 की रेंज में भी आता है। ठीक है, तो पाई बाय फोर आ गया। तो ये हमें प्रूफ यही करना था, इक्वल टू में यही प्रूफ करना था, हो गया। तो हम लिख देंगे देयर फोर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, ये था हमारा बेसिक क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस पे चलते हैं धीरे धीरे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास 2 10 इनवर्स 1 बाय 5 प्लस 10 इनवर्स 1 बाय 4। तो फ्रेंड्स, ये इम्पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन करवाऊँ, तो मैं इसमें आपको एक लॉजिक बताता हूँ, उसके हिसाब से आप कर लेना। देखिए फ्रेंड्स, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला। तो पहले ये जो फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे 2 10 इनवर्स x, पहले इसको 10 की फॉर्म में चेंज कर लो। 10 की फॉर्म में कैसे चेंज करना है, मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था आपको 10 का। अगर 2 10 इनवर्स x हो जाए तो फॉर्मूला क्या था 10 की टर्म्स में, पता चल गया 10 की टर्म्स में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपको एक एक लॉजिक पता चल जाएगा कि तीनों फॉर्मूले कब यूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल गया, पहले इसको आप इस फॉर्मूले के साथ चेंज करोगे, फिर जो आएगा उसको फिर आप 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा एकदम अच्छे से, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, पहले आप देख लो 2 10 इनवर्स 1 बाय 5 प्लस 10 इनवर्स 1 बाय 8 प्लस 1 इनवर्स 5 √2/7। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि 2 जो है अब पूरे के बाहर है, ऐसा नहीं है कि एक 10 के साथ 2 है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था इसको 10 में चेंज करेंगे, लेकिन इसमें क्या है 2 बाहर है, पहले अंदर फॉर्मूला लगा सकते हैं हम 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। तो लगा देते हैं 2, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है लेकिन मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, एक मिनट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाएं 2 10 इनवर्स 2, तो बाहर का है, ठीक है, अरे यार एक मिनट रुक जाओ, फोकस नहीं हो रहा सही से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अंदर 10 इनवर्स x प्लस y, एक्स क्या 1 बाय 5 1 बाय 8 अपॉन में 1 माइनस 1 बाय 5 इंटू 1 बाय 8। यही बताया था 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और ये क्या है, sec inverse 5 √2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लो। सॉल्व तो आप कर सकते हो, सॉल्व करने के बाद आएगा 1 बाय 3 प्लस sec inverse 5 √2/7। अब फ्रेंड्स देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बन चुका है। इसमें आप पहले 10 का फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 10 इनवर्स x का, जो मैंने बताया था, चलिए लगा देते एक बार 2 10 इनवर्स 2x, पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला, कि 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता था, 10 इनवर्स 2x / 1 − x², यही बताया था फॉर्मूला। तो यही अब हमें पुट करना है यहाँ पे 10 इनवर्स में, ठीक है, तो 2 नहीं आएगा यहाँ पे, अब मैंने गलती से लिख दिया था, ठीक है, 2/3/1 − 1/3² मतलब 9, ये हो गया। लेकिन देखिए, अब इसको तो 10 बना दिया, अब इसको भी 10 बनाना है। ये 10 बनाना मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, इसलिए कह रहा हूँ पहले फर्स्ट वीडियो देख लो, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं इस वीडियो में भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अब ये तो 10 में आ गया, अब इसको 10 में चेंज करना है, तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इसको बनाना है 10, तो कैसे बनाएंगे, हम इसको एक्स पुट कर देंगे, ये वहां पे जाके क्या हो जाएगा, sec x = 5 √2/7। ठीक है, अब हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल,
अब sec x क्या होता है, h बाय बी, मतलब ये h है और ये b है, ठीक है, तो ये हो गया b और h क्या हो गया हमारा 5√2, और ये निकाल लोगे आप पाइथागोरस से, ये आएगा आपका 1। अब हमें चाहिए किस टर्म में था, 10 के टर्म में, तो हम 10x यहाँ से निकाल सकते हैं। 10x इज इक्वल टू क्या होता है, p बाय बी 1/7, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 उधर जाके बन जाएगा 10 इनवर्स 1/7, समझ आ गया। अब x, इसको x पुट किया था हमने और x की वैल्यू ये भी है, तो मतलब ये भी लिख सकते हैं वो भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें 10 की फॉर्म में चाहिए तो हम 10 लिख सकते हैं। आइए उधर एक बार चलते हैं, यहाँ पे ये हमारा आ चुका था, ठीक है, और इसको हमने करा था एक्स पुट। अब इसको एक्स पुट किया था इधर, ये क्या बन जाएगा हमारा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बनेगा आपका 3/4, ठीक है, 3/4 बन जाएगा, और एक्स की वैल्यू क्या आई है वहाँ पे, 10 इनवर्स 1/7, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10 इनवर्स 1/7। आज बहुत दिक्कत आ रही है इसमें, नेक्स्ट वीडियो से नहीं होगा लेकिन, ये मैं अब दूसरे कैमरे से बनाऊंगा वीडियो। ओके अब ये आ गया हमारा 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y। अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर सकते हो, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा, एक बार इसको सॉल्व कर लेना घर में, तो आंसर आएगा आपका π/4, ठीक है, π/4 इसका आंसर आना चाहिए। एक बार आप दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन था 2 10 इनवर्स 2 बाहर था, ठीक है, इसलिए हमने अंदर फॉर्मूला लगाया 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y, फिर बाहर 2 आ गया जब इसके साथ, तो हमने लगाया 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला, 10 इनवर्स 2x/(1 − x²), फिर इसमें लगा के हमने 10 की फॉर्म में लिया क्योंकि हमें 2 नहीं चाहिए होता, और इसको हमने 10 बना लिया क्योंकि 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y बन जाएगा, फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे, इसलिए हमने पहले इसको 10 की टर्म्स में चेंज किया, और इसको 10 की टर्म्स में चेंज करने के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे हमने किया पुट इसको x, और यहाँ से हमने राइट एंगल ट्राइंगल में उसकी वैल्यू पुट करके निकाल दिया 10x, और x की वैल्यू निकाल ली, और x को हमने पुट की x पुट किया था इसको sec इनवर्स 5√2/7 को, तो x की वैल्यू तो ये भी आ रही है, तो हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला ही बनाना है 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y, तो इसको सॉल्व करोगे अब 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के, तो आंसर आएगा आपका π/4, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स, अब मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा उनका आपको लॉजिक बता दूंगा और आंसर भी बताऊंगा, आपको सॉल्व करने हैं घर पे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं सारे क्वेश्चन करवाऊँ आपको, ठीक है, लेकिन मैं जितने हो सकेंगे क्वेश्चन उतना करवाऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो फ्रेंड्स ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें प्रूव करना है कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है कि नहीं है, ये मैं करवाऊंगा नहीं, ये आपको सॉल्व करना है, और मैं इसका आंसर तो बता ही नहीं सकता क्योंकि दोनों को इक्वल, जैसे ही आंसर आएगा इक्वल, लेकिन मैं ये बताता हूँ इक्वल करने के बाद मतलब आएगा क्या, इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो π/4 आएगा, और इसको भी सॉल्व करोगे तो π/4 आएगा, ठीक है। अब कैसे आएगा वो उसकी ट्रिक बता देता हूँ, पहले इसका फॉर्मूला लगा दो 2 10 इनवर्स x का 10 की टर्म्स में, तो याद आएगा 10 इनवर्स जो भी आएगा 3/4 आएगा, ठीक है, फिर लगा दोगे आप 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y, तो आपका आंसर आएगा π/4। ये समझ आ गया कैसे करना है LHS। अब RHS पे आते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, sec inverse √34/5 है, इसको एक्स पुट कर लेना, और वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे निकाला था ना एक्स पुट करके 10 की वैल्यू, वैसे ही यहाँ पे निकालनी है, और फिर इसको वाई पुट कर लेना, और फिर इसको भी सेम ऐसे ही कर देना, ठीक है, तो फिर इस ये भी 10 की टर्म्स में आ जाएगा, ये भी 10 की टर्म्स में आ जाएगा, तो दोनों को ऐड जब कर दोगे तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y, तो आप फिर सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला, ये आंसर आपका आ जाएगा दोनों का, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें ये प्रूफ करना है कि 10 इनवर्स 1 + 10 इनवर्स 2 + 10 इनवर्स 3 इज इक्वल टू 2 10 इनवर्स 1 + 10 इनवर्स 1/2, सॉरी इनवर्स में यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 10 इनवर्स 1/3, तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, मेरे को करवाना पड़ेगा लेकिन, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत अच्छे लॉजिक लग जाते हैं क्वेश्चन में। पहले अगर हम LHS को लेते हैं,
10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 3। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम पहले इन दोनों में फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि तीन वाला फॉर्मूला तो होता ही नहीं है 10 इनवर्स का, तो हमें दो दो करके लगाने पड़ेंगे, पहले इन दोनों का, ठीक है, फिर जो आएगा फिर इसके साथ लगाएंगे। तो अगर हम इन दोनों में फॉर्मूला लगाए 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो मैंने एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में, अगर x इंटू वाई 2 से अगर वो बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, पाई प्लस 10 इनवर्स, फिर वही सेम फॉर्मूला लग जाता है x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो फ्रेंड्स इसमें यही करना पड़ेगा हमें, पाई प्लस 10 इनवर्स x प्लस y 1 प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, प्लस 10 इनवर्स 3, यही होगा। अब इसमें क्या होगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3। और मैंने फर्स्ट वीडियो में यही क्वेश्चन इसी को सॉल्व करना बताया था, कैसे करते हैं, बाहर आ जाएगा माइनस, क्योंकि मैंने बताया था एस टी सी में माइनस बाहर आ जाता है, ये ट्रिक है एस टी सी, मैंने बताई थी फर्स्ट वीडियो में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। तो फ्रेंड्स अब देखिए, पाई माइनस 10 इनवर्स 3 प्लस 10 इनवर्स 3, तो ये दोनों कट गए, तो क्या आ गया, पाई, मतलब एल एच एस को सॉल्व करके क्या आया हमारा, पाई, तो मतलब आर एच एस भी पाई आना चाहिए। तो आइए करते हैं आर एच एस को। तो फ्रेंड्स ये आर एच एस तो और भी आसान है, क्योंकि इस पर देखिए सिंपल है, 1 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4, और 10 इनवर्स, अगर हम इन दोनों में अगर फॉर्मूला लगा दें, कौन सा, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y वाला, तो क्या होगा, x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, 10 से 10 कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, पाई बाय 4 प्लस 10 इनवर्स, ये आएगा आपका 5/5, ठीक है, सॉल्व करके देख लेना एक बार, अगर गलत हो तो बता भी देना, लेकिन एज पर माय नॉलेज इट इज़ नॉट अ रॉन्ग। तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 1 हो जाएगा अंदर, क्योंकि कट जाएंगे दोनों, तो हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 1 को, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था 1 को। तो अब क्या होगा, 10 10 कट गए, ये बचा हमारा पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, तो अंदर क्या आ गया, 2 पाई बाय 4 4 आ गया, तो 4 कट जाएगा इन दोनों से, तो ये भी आ गया पाई। तो मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो हमने प्रूव कर दिया आर एच एस को भी, आर एच एस को एक बार दोबारा देख लेते हैं, 1 था तो हमने उसको 10 पाई बाय 4 लिख दिया, जैसे कि आसानी हो गई, काट दिया हमने और पाई बाय 4 हो गया। इन दोनों में हमने फॉर्मूला लगा दिया 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, फिर 1 आ गया तो पाई बाय 4 ये काट दिया। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z इज इक्वल टू पाई गिवन है, और प्रूव करने के लिए बोल रखा है x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो इसमें करना क्या, हमें पहले ये जो ऊपर लिखा हुआ है, पहले हम इसको 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y जो गिवन है हमें, अगर हम इसको उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस 10 इनवर्स z, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का, बिल्कुल लगा सकते हैं, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे क्या आ गया, पाई माइनस 10 इनवर्स z, ठीक है। अब क्या होगा, इसको यहीं पर रहने दो, अगर हम 10 इनवर्स को वहाँ ले जाएं तो 10 बन जाएगा पाई माइनस 10 इनवर्स z, और ये आपको आता ही होगा 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड, मतलब ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये ट्रिक है हमारी, अगर आपने ये बेसिक ऑफ क्वाड्रेंट नहीं पढ़ रखे तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, यहाँ पे 10 और कोट जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है पाई माइनस, मतलब पाई तो यहाँ पे हो गया, पाई माइनस मतलब इधर ही रह गया,
तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, थीटा क्या इधर टेन इनवर्स जेड। ठीक है, मैंने क्वाड्रेंट को सही से नहीं बताया यहाँ पे ज़्यादा क्लियर में, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे बताने में। ये दोनों कट गए तो क्या आ गया, माइनस जेड, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। अब इसको आप सोल्व कर दो, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई आता होगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स वाई जेड। अब इस जेड को वहाँ पे ले जाओ तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू में एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं किया, जो गिवन था उसको ही हमने यूज़ करके यहाँ पे पहले टेन इनवर्स जेड को यहाँ पे ले गए, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हमने, इसको ऐसे ही रहने दिया, फिर यहाँ से टेन इनवर्स को वहाँ पे ले गए, टेन हो गया, टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा, तो टेन इनवर्स टेन कट गया, जेड आ गया, और यहाँ पे सेम का सेम रहा। ठीक है, तो हमने फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया हमारा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, मतलब कुछ कुछ पांच छह फॉर्मूले लिखवा दिए, उसके बेस पे सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, जैसे आज हमने टेन इनवर्स के सारे पढ़ लिए फॉर्मूले, वैसे अब मैं कॉस इनवर्स के पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए आपको ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, जिससे कि अगर मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले, वरना नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, और जो मैंने क्वेश्चन आधे आधे करवाए हैं उसको आपको पूरे भी करने हैं, और जो मैंने यहाँ पे करवाए हैं वो आपको दोबारा भी करने हैं घर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।